जी नमस्कार, मैं आपका अपना R3F न्यूज का सिपाही राजन राय हर बार आपके सच लाने की सामने कोशिश करते हैं। यहाँ से चुनाव में जीती है रचना जी। वो रचना जी ने चैनल पे हमारे घोषणा की थी कि इस गांव की रचना जो होगी वो सौंदर्यकरण के साथ होगी, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है, वैसे तो वो अभी अभी जीती है, अभी शायद शपथ पत्र भी उन्होंने ग्रहण ना करा हो, लेकिन ये जो आप नाला देख रहे हैं बम्बा, इसे बोलते हैं बम्बा, देखिए कितनी खूबसूरती है इसके अंदर। भाई साहब, इसकी खूबसूरती के बारे में चार लाइनें बताइए। ये तो काफी दिन से है, तो यहाँ के जो प्रधान थे भूतपूर्व के काम नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं करवाया, तो उससे परेशानी नहीं होती, मच्छर नहीं मच्छरी कई पब्लिक ने कोई सुनता ही नहीं है वो। तो अब जो नवनिर्वाचित प्रधान बनी है रचना जी, आपको लगता है क्या वो समस्या का समाधान करेंगे? लगता है आपको भाई साहब जी करेंगे, सुधार करेंगे? रचना जी ने मुझसे वादा किया था कि सबसे पहले प्रधान अगर मैं चुनी गई तो ये बम्बा की समस्या दूर होगी। और देखिए एक और मैं आपको चीज दिखाऊं, देखिए गंदगी हालत देखिए, ऐसा लग रहा है कि कूड़ा घर यहाँ पर हो। ये सब सुधार करेंगे, देखिए काफी साल से जी ये भी कूड़ा वो पड़ा डस्टबिन उल्टा और कूड़ा यहाँ पड़ा है, और यहाँ लोग रहते हैं, छोटे बच्चे, COVID-19 जैसी महामारी बीमारी चल रही है, बीमारी है क्या? जो भी भूतपूर्व था चलिए वो तो बीते से बीते 5 साल, क्या आपके जो 5 साल हो गए क्या ऐसी कूड़े का ढेर और ऐसी बम्बई का, ये जो बम्बई का नर्क ऐसी मिलेगा या तब्दील होगी, ये भाई साहब बताएंगे। हाँ जी, ये जो कूड़ा है और ये गंदगी, आपको उम्मीद है जो नवनिर्वाचित प्रधान महिला बनी है वो समस्या का समाधान करेगी? हाँ जी, उम्मीद तो हम करते हैं। तो रचना जी ने जो अपना मैनोफेस्टो बोला है कि गांव में सफाई होगी, आप देख रहे हैं कि COVID-19 चल रही है तो सफाई को तो ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, तो आपको उम्मीद है रचना जी से? हाँ जी, हमें उम्मीद है बहुत ज्यादा। तो ठीक है, जनता की अपेक्षाएं है कि रचना जी गंदगी को दूर करेगी। आइए रचना जी से चलते हैं, जनता ने उन्हें चुना, पूछते हैं क्या इनकी जनता की अपेक्षाएं पूरी होगी या नहीं होगी। आइए, आप यहाँ की गंदगी देख रहे हैं, इस बम्बई में पानी देख रहे हैं कितनी गंदगी के साथ, और दोनों तरफ से अतिक्रमण करके इसको कितना छोटा बना दिया गया है, कितना बुरा हाल है, यहीं पर लोग रहते हैं, रहना भी मुश्किल है, इतनी बदबू इतनी स्मेल आती है यहाँ से, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्या है, ये छोटी सी घर की नाली से भी बदतर स्थिति इसकी हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं। अब जो यहाँ पर नव निर्वाचित प्रधान बनी है उनसे काफी उम्मीद है लोगों को कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो आइए इसी मुद्दे पर खास, COVID-19 जैसा बीमारी महामारी चल रही है, क्या गांव में सफाई को सच में प्राथमिकता दी जाएगी? ये समस्या, ये कूड़ा और ये बम्बा, इसकी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा? आइए रचना जी से मुलाकात करते हैं। RTF न्यूज में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त राज, और हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ के ग्राम मोहम्मदपुर ढेडा में, और यहाँ से प्रधान पद की प्रत्याशी दी रचना जी, और ये इलेक्शन जीत गई है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, पहले आपका परिचय हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम रचना रानी है, मैं डॉक्टर गंगा शरण जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशन है MBA। पहले तो मैडम R3F न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप इलेक्शन जीत गए हो, तो आपका ये पहला प्रयास था या इससे पहले भी कभी आपने प्रयास किए थे? पहला प्रयास है। मैडम, जैसे अभी हमने देखा है कि गंदगी बहुत ज्यादा है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आप ये इलेक्शन जो लड़ी हो वो मेन किन किन मुद्दों पर लड़ी है? मैडम, मेन मुद्दे हमारे एक तो स्वच्छता का है, फिर ये मतलब शिक्षा, ये जैसे राशन कार्ड प्रॉपर नहीं है, स्कूल की स्कूल पे ध्यान दिया जाएगा, मेन इधर बम्बा है वो पे ध्यान दिया जाएगा, ये मुद्दे हैं हमारे। अभी हम देख कर आए हैं बम्बई की हालत बहुत ही खराब है, अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा है, गंदगी है, पानी भरा हुआ है, सब कुछ तरह से इधर आपके सामने ही पूरी गंदगी पड़ी है। तो ये पूरी सफाई करवाई जाएगी, पूरी सफाई पे ध्यान दिया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका यही है? हाँ, सबसे पहला काम हमारा स्वच्छता पे ध्यान देना है। तो ये मैं कितने महीने में समझूं कि ये सब ठीक हो जाएगा? देखो कितना टाइम लगता है इसमें, नालियाँ भी छोटी हैं, उसके निकास पानी वाली की निकासी पे ध्यान दिया, मेन मुद्दा हमारा स्वच्छता पे ध्यान देना है, स्वच्छता जो मतलब सफाई पर आपका मेन मुद्दा है। अच्छा,
मैडम शिक्षा का क्या स्तर है गांव में आपके, कोई सरकारी स्कूल वगैरह? सरकारी स्कूल में प्राइमरी तक है बस। अच्छा अच्छा, कोशिश रहेगी मतलब बड़े लेवल पर क्या शिक्षा तक, 1 तक या 10 तक करवाने की आपकी कोशिश है रहेगी। तो मैडम स्कूल में टीचर आते हैं उसमें? अभी मतलब पता नहीं है, कोई घूमेंगे तो पता चलेगा स्कूल में टीचर आते हैं या नहीं। मतलब प्रॉपर पढ़ाई है कि नहीं, पढ़ाई है या नहीं, सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा जी। के बाद ही पता किया जाएगा। कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी आपके गांव में या आपके आसपास? नहीं, यहाँ नहीं है डिस्पेंसरी वगैरह। कहाँ पर जाना पड़ता है यहाँ से? फिर यहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक में जाना पड़ता है। कितनी दूर पड़ते हैं यहाँ से? 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर है। क्या उसके रिगार्डिंग भी कुछ आपके प्लान में है, कुछ मैनिफेस्टो में कि एक डिस्पेंसरी आपकी यहाँ भी होनी चाहिए? मन तो है, देखो पता नहीं इस पे सोचा जाएगा कैसे कैसे फैसिलिटी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या इस तरह का कुछ गाँव में नहीं किया जा सकता? नहीं होना चाहिए, देखो ये तो गवर्नमेंट से उसी लेवल पे किया जाएगा। नहीं आगे तो प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे, हर चीज का प्रयास करेंगे, प्रयास हमारा जारी रहेगा, देखो कैसे कैसे सुविधा मिलेंगी उस पर पूरा कार्य किया जाएगा। तो मेन सबसे बड़ा जो मुद्दा आपके साथ सफाई का है, सफाई में पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब ये सफाई पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, महामारी फैली हुई है कोरोना जी, हाँ कोविड, हाँ कोविड का बहुत प्रकोप है, उसमें हमने गाँव में सैनिटाइजर लाना शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा, जैसे पब्लिक परेशान है, डिमांड आ रही है, हमने देखा सिचुएशन बहुत टिपिकल है। गाँव में कोई एम्बुलेंस की सुविधा है आपके गाँव में? नहीं अभी नहीं एम्बुलेंस की सुविधा, तो एम्बुलेंस सैनिटाइजर ही किया जा रहा है। एम्बुलेंस के लिए कोशिश करोगे आपकी, कम से कम एक एम्बुलेंस तो गांव में होनी चाहिए, एट ए टाइम कुछ हो जाए एम्बुलेंस ना आ पाए। एम्बुलेंस की जैसे गाँव में जी सैनिटाइजर शुरू किया है, एम्बुलेंस की भी सुविधा की। मैडम विधवा पेंशन वृद्ध पेंशन कितनी है गाँव में अभी आपके? विधवा पेंशन अभी अभी नहीं, उसके बारे में मैंने विधवा पेंशन और वृद्ध पेंशन जो होती है आदि उन तक पहुँच ही नहीं पाती है, वो प्रधान के पास ही रह जाती है। नहीं इस चीज पे देखो ध्यान दिया जाएगा, हमने देखो हम जेनेटिक राजनीति के तो है नहीं, हमने ये समाज की सेवा के लिए ये कदम उठाया है। मतलब गवर्नमेंट से जो पैसा उनके लिए आएगा वो प्रॉपर उन्हीं तक पहुंचेगा, उन तक पहुंचेगा, उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा, हर कार्यक्रम वाली टाइम पे की जाएगी जी। हाँ जी मैडम, कोई खेल का मैदान है? खेल का मैदान नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं, कोई डिमांड भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं होती है ऐसी बच्चों के लिए, कोई वो ऐसा डिमांड तो होगी बच्चों के, देखो बच्चों को खेलना तो अच्छा लगता है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जमीन है ऐसी जहाँ पर आप ऐसा कुछ करवा सके, क्योंकि कई गांव में खेल के मैदान की तैयारियां की जा रही है? जमीन तो है गवर्नमेंट की तरफ से, एलजी जमीन है ना, तो आपके मैनिफेस्टो में है क्या कुछ ऐसा? देखो देखा जाएगा पूरा रहेगा अभी। अच्छा अभी उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोचा गया, अभी स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए अभी प्रॉपर जैसे से काम आएगा, सिचुएशन देखेंगे गांव में जाके। सड़कों वगैरह की क्या क्वेश्चन है गाँव के? सड़कें वगैरह बेकार है, लाइट के जैसे खम्भे उम्भे लाइट प्रॉपर लाइट लाइट प्रॉपर नहीं है, रास्ते ज्यादा गंदगी की वजह से ही परेशान है। सबसे पहले 6 महीने या पहले साल भर में आप मुख्य काम क्या है जिन्हें आप करना चाहोगे? पहले साल में हमारा मुख्य काम स्वच्छता का ही है, सफाई का ज्यादा, क्योंकि कोविड से लोग ज्यादातर परेशान है, स्वच्छता पे ध्यान देगा इतने ही लोग साफ सफाई, नालों की सफाई, सैनिटाइजेशन वगैरह, ठीक है, गांव में अवेयरनेस मास्क वगैरह की स्टार्टिंग हमारी इसी से होगी, इसी से ही लोग बचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कभी और कुछ अच्छा हो करेंगे। उसके बाद सड़कें वगैरह है, ये लाइट्स वगैरह है, जैसे ये नाला है, नाला इसमें भी साफ सफाई की जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा मच्छर वगैरह रहते हैं तो उससे कोई भी बीमारी फैल सकती है। मेन मुद्दा यही है, हमारा साफ सफाई का ज्यादा कोशिश है। एक बार हमारी जनता को ये बता दीजिए कि आप अपने शासन काल में, ये आपका 5 साल के जब आप आ गए हो तो आप ही कटरा एक तरह से मुख्य हो गई ना यहाँ के, आप तो मेन मेन काम क्या है जो जनता को देखने को मिलेंगे आपके आगे जाकर? एक तो आपने सफाई बताया, सड़कें बताया यहाँ की, बिजली बताया आपने, ठीक है, शिक्षा का बताया कि कोशिश करेंगे उसे 1 तक करवाने की, आप डिस्पेंसरी के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं अगर यहाँ कोई ऐसी डिस्पेंसरी बन जाए। लोगों के पास राशन कार्ड है, उन्हें प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा, उनपे भी ध्यान दिया जाएगा। मैडम जैसे बहुत से छोटे तबके के लोग होते हैं, घर होते हैं टूटे फूटे घर होते हैं, क्या ऐसे भी कोई स्कीम है कि उनके घरों को मरम्मत कराया जाए या उनको कोई ऐसा अनुदान दिलवाया जाए कि मकान बन जाए उनके? स्कीम तो आती है, जब आएंगे तो उनके घर वगैरह देखे हमने, तो
काफी है लोग परेशान करवाएंगे, छत भी नहीं है हम लोगों की। हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ, छतों के घर मकान की सुविधा दी जाएगी, दी जाएगी आप मतलब आपके 5 साल में, मतलब जो ये अब है स्थिति इससे बहुत बेहतर स्थिति आपके टाइम में हो जाएगी। क्या किया जो कुछ कमियां हुई है उनकी तरफ से उन्हें हम पूर्ण कर दें। चलिए हम भी मैडम हम भी टाइम टू टाइम आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों की समस्या भी आप तक लाएंगे और आपका जो काम वगैरह है उसमें भी जितना हो सकता है हमारी तरफ से हम लोगों को बताएंगे इसके लिए। मैं था मोहम्मदपुर डेढ़ा में आर3एफ न्यूज से और हमारे साथ थी रजनी जी, इन्होंने बहुत सारे वादे पहले भी किए थे, अभी भी ये बता रही है कि यहाँ सफाई जो है नाले वगैरह बहुत खराब है, गंदगी है, कोविड-19 भी चल रहा है, शिक्षा पर भी इनका ध्यान होगा, सड़कें, बिजली, पानी, डिस्पेंसरी और ये इमरजेंसी में यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, शायद हो सकता है वो भी सुविधा हो जाए तो गांव को बेहतर विकास की ओर लेकर जाएंगे, ऐसा इनका वादा है। हम 6 महीने बाद या साल बाद फिर इनसे मिलेंगे और दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।